जय जगन्नाथ दोस्तों, आज कोरोना सारा पृथ्वी में हलचल मचा रहा है। कोरोना किसके बाद आया है? कोरोना आया है बाढ़ के बाद, कोरोना आया है सुनामी के बाद, कोरोना आया है बर्ड फ्लू के बाद और कोरोना आया है स्वाइन फ्लू के बाद। न जाने प्रकृति हमें कितनी कितनी बार सचेत करता है कि आदमी तू सुधर जा सुधर जा, जीव हत्या मत कर। ये कहाँ से आया है? जीव हत्या से शुरू हुआ है। न जाने हर दिन कितने पशु पक्षियों को हम मारते रहते हैं, किसके लिए? हमारे जीव के स्वाद पाने के लिए। जो निरीह पशु पक्षियों को हम रोज मार रहे हैं, अति निर्दयता के साथ मार रहे हैं, तो उनकी जो पुकार है, उनकी जो चीख है, उनके जो क्रोध है, वो कहाँ जाएगी? वो आती है इस तरह के रोगों से। और हमें सतर्क रहने के लिए सुचाती है कि रे मानव सुधर जाओ, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं हैं। हम जीवास्वाद में डूबते रहेंगे और ऐसे पशु पक्षियों की हत्या करते रहेंगे और ऐसे भोगते रहे, भोगते रहो, भोगते रहो। अब सारा दुनिया घर में बैठो और हरिनाम जपते रहो तो सुधर जाओ जगत के वासियों। ये जो नया बीमारी आया है, ये नया ही, आज नया है कल पुराना हो जाएगा और कल फिर कोई नया आ जाएगा। इसलिए जीव हत्या मत करो और पूरब की तरफ पीछे चलो, पीछे चलो। पीछे चलो का मतलब है कि वेजिटेबल बनो, भेज बनो। भेज में भी सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? जगत का सबसे बड़ा भंडार है जगन्नाथ का भंडार। पूरी जगन्नाथ मंदिर में जितने तरह की रसोई होते हैं, सारा पृथ्वी में कौन सा होटल में ऐसा नहीं होता होगा। और जगन्नाथ जी का प्रसाद सिर्फ महाराज को हम नहीं बोलते, और कितने सारे भोग होते हैं। और क्या आपने इसको चखा है? कितना अच्छा लगता है? उसके आगे इतने इतने सारे भोग हैं, आपने सुना नहीं होगा। पंडा जी से जाइए और नया नया खाइए। और जगन्नाथ जी को भी बंद कर दिया सालो, अपने जीवा स्वाद के लिए जगन्नाथ जी का मंदिर भी बंद कर दिया तुमने, तो अब तो सुधर जाओ। अब नहीं तो कब नहीं। जगन्नाथ मंदिर में इतने स्वादिष्ट तरह तरह के प्रसाद होते हैं, और सीख लो। यूट्यूब में तो कई सारे वीडियो रसोई के बनाए हैं और बनते रहे हैं। और पंडा जी को अनुरोध है कि जो जो अच्छा रसोई हो रहा है वहाँ पर प्रसाद की तरह पा रहे हैं, सब लोग तो जान नहीं पा रहे, तो उसे भी तैयार कैसे होता है घर में अगर हो सके तो बनाकर दिखा दीजिए सब लोगों को। सारा पृथ्वीवासी जाने कि क्या क्या स्वादिष्ट तैयार हो रहे हैं वहाँ पर, और लोगों को इस स्वाद का मजा लेने दीजिए। अगर इस स्वाद का मज़ा लेने लगे तो शायद लोग सुधर जाएं और जीव हत्या ना करें। और कोई आगे कोई पर्व आए तो मन में ये ना आए कि चलो मटन करते हैं या चिकन करते हैं, चलो ये रसोई जगन्नाथ जी का करते हैं, कहीं ऐसा भाव आ जाए तो शायद ये जो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है हो नहीं पाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना। जय जगन्नाथ।